मोनी जी आए। जी मोनी जी, क्या कहना चाहते हाँ नमस्कार मैम। हैं? क्यों नहीं आवाज आ रही मेरे को? है हेलो। एक सेकंड, मैं जरा टेस्ट कर रही हूँ ना कि ये चलता है कि नहीं चलता है, आवाज आती है कि नहीं आती इसमें से। एक सेकंड जरा सब्र कीजिएगा। थैंक यू अजीज जी, अब तो मैं जरूर ले लूंगी जलेबी वाले स्पीकर्स। थैंक यू अजीज। क्या बोलना चाहेंगे हाँ आप? मैम, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप बात कर रहे हो इस खलील उल रहमान की, और जी जो कर रहा है अपनी बेअदबी कहते हैं ना, वो कर रहा है। तो जो कहते हैं ना कि किसी घर को अगर देखना हो, किसी औलाद को देखना हो, तो सबसे पहले उसके बाप दादाओं को देखा जाता है कि वो कैसे हैं। तो इसी तरीके से पहले तो प्राइम मिनिस्टर को देखा जाता है कि इस कंट्री का भी वो क्या सोचता है। वो तालिबानियों को कह रहा है कि वो मासूम बच्चे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को छोड़ ही दो ना, नहीं उनका नहीं भी मैं आगे यही तो दिमाग बात है, कर रहा हूँ ना। उनका भी हाँ, दिमाग इंसान के क्योंकि अंदर है। वहीं फिर आसमानी किताब, क्योंकि ये आप ये शो वगैरह ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आप वहीं ये सारी चीजें होती है ना, ये आसमानी किताब से स्टार्ट होती है मैम। सही है, जो आसमानी किताब बोल रही है उसके हिसाब से चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि भी ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं यहाँ पे सोई, यहाँ पे गली को सोई बोलते हैं थाईलैंड में। अब करंटली मैं थाईलैंड में हूँ, तो यहाँ पे सोई बोलते हैं गली को, गली नंबर। तो यहाँ पे एक दुबई रेस्टोरेंट है, मैं आपको लाइव प्रोग्राम मतलब क्या है प्रैक्टिकली बता देता हूँ। वहां पे एक हिंदू बंदा काम करता है, इंडिया का बंदा है, तो और सारे पाकिस्तानी दुबई रेस्टोरेंट के नाम से हैं। तो वो क्या कहते हैं, उस बंदे से तो टॉयलेट साफ करवाते हैं जो इंडिया का है, और जो ओनर है वो पाकिस्तानी है। तो वो बाकी सबको क्या कि अच्छी फैसिलिटी देता है, उस बंदे को सिर्फ उससे एक ही काम है, उसके से टॉयलेट साफ करवाता है। तो सारा उनसे पूछे ना कि भी ये तुम क्या करते हो, बोला कि नहीं यार हमारा ये हिंदू है ये है। तो वो घूम फिर के लड़कियां वड़कियों का, तो अभी जैसे मोदी जी ने कर दिया था इंडिया के अंदर 3 तलाक खत्म कर दिया था, शायद 1 अगस्त को ही किया था, अभी कल ही कल के दिन के थे। कल हमारे महिला दिवस बनाया गया था, वुमेन्स डे बनाया गया था इंडिया में। तो मगर देखें, बात आ जाती है कि आप आगे कहते हो कि चलो हाँ वहां पे औरतें ये हैं वो हैं, मगर मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे जिस तरीके की मुसलमान गालियां दे रहे होते हैं, चंद मुसलमान सारे नहीं, उसी तरीके की मुझे हिंदू भी गालियां दे रहे हैं। टुनीस जिसे कहते हैं, सारे हिंदू नहीं, उसी तरह की गाली दे रहे हैं। द पॉइंट नहीं है, हम बात कर रहे हैं आज औरतों के ऊपर ही, और ये जो हिपोक्रेसी तो हमें दिख ही रही है, मगर जो मर्द आके इस तरीके की बातें करते हैं ना, वो दोनों साइड पे ही हो रही है। मैम, आपकी मैं आपसे एक थोड़ी एक शिकायत करना चाहूंगा, आपकी थोड़ी गलती बताऊंगा मैम, माफी चाहूंगा पहले। तो गलती ये कि पीछे एक बी पॉलिटिकल नाम से एक आया था, अभी पीछे एक वो अकड़ा सा बोल रहा था, आ, 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 आ करके बोल रहा था, कौन था क्या नाम था इसका जो धक्के से सफाइयां दे रहा था। उड़ाए किसी हाँ भी डिसेबिलिटी का मजाक नहीं वो उड़ाते। जो भी थी, नहीं, जो भी था, मजाक की बात नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि वो चार चार आइडिया चलाता है, जो भी चलाता है। तो आप उसकी बात ही मत किया करो, आप खुद उस बंदे को पकड़ते हो जो आपके साथ टेढ़ा बोलता हो, कोई अच्छा बोले उसके साथ आप नहीं, करते नहीं। मैं हिपोक्रेसी शो कर रही हूँ, मैम मैं उनकी हिपोक्रेसी आप, हिपोक्रेसी शो कर रही हूँ कि वो कितने हिपोक्रेट हैं और वो मुझको एक्सपोज करने में पड़े हुए हैं। नहीं आप जो बंदा पॉजिटिव बोल रहा है आप उसको, अब जैसे एक छोटी सी बात लगा ले, मैं आपको मुझे नहीं पता, मैं एक दुआ ही करूंगा भगवान से कि भी आप जिस दिन पॉजिटिव बंदों के साथ बात करने लग जाओगे ना, ज्यादा टाइम तो लगेगा 6 महीने का, लेकिन मुझे पता है कि ये आप कंफर्म कर लो, जैसे उस बी पॉलिटिकल ने आपने कम कम से कम 20 मगर मैं मतलब सबसे नस बात पकड़ने करती लगे थे हूँ दिमाग मोनी के। जी, नहीं मैं सबसे बात करती हूँ, आप आए हो, आपसे भी तो बात कर रही हूँ ना, आप तो यस पॉजिटिव मैम कर बात रही करते हो, आपको हो, हमेशा दिया है मौका। गीत से बात करती हूँ, गीत हमेशा आके सही बात करता है, मैं सबसे बात करती हूँ। ये बात नहीं है हाँ कि तो मैं नेगेटिव लोगों से बात कर अब रही हूँ, जिस मगर मुझे बंदे की इम्पोर्टेंट है लोगों को जवाब दूं। भाई जो अगर बंदा मेरी मेरी जात को उछालेगा या मेरे ऊपर बात करेगा या मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उसको बैठ के यहाँ पे या नंगा तो नहीं करूंगा, उसको जवाब तो दे सकती हूँ ना। यस, लेकिन आपको खुद को पता है कि उस बंदे के चार चेहरे हैं, उसकी चार आइडिया चल रही हैं, तो आप उसको टाइम ही ना दोगे। भाई तू जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन आके बात बस कर, जो मुझे ना, आज गाली मैंने दे। उसको बोल दिया ना, अब आज के बाद वो आएगा भी, कल भी वो आया था, तो उसको मैंने सबसे लास्ट में लिया था, मैंने पहले सब दूसरों लोगों को टाइम दिया है पहले, फिर मैंने उसको लास्ट में टाइम दिया है। और मैंने इसी वजह से दिया है क्योंकि देखो वो है 25 साल का, और उसका दिमाग जो है ना, उसको भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये सारे चैनल्स पे जो जाते हैं तो ना, जहाँ मैम पाकिस्तानियों के जो है ना, मेरी तो सारा 24 साल की उम्र है। दिन पाकिस्तानियों की बुराइयां होती हैं, पाकिस्तूनी बोला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। तो आपकी जो जनरेशन है ना, उसके दिमाग में भी हेटरेट डाली जा रही है, पाकिस्तान में तो डाल रहे हैं, मगर आपके इंडिया में भी डाल रहे हैं हेटरेट।
मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी तो बोलते नहीं, वो तो पाकिस्तानी बोलते हैं। दूसरी बात, मैं खुद पाकिस्तानियों के साथ रहता हूँ, मैं पोर्की बोलता हूँ उनको, सबको पोर्की बोलता हूँ। आप जो सोच रहे हो वो एक बंदे के जरिए ना बोलिए मैम, कि भी आप सब नहीं, मगर पाकिस्तानियों को आप भी हेट तो करते बोल हो। रहे हो ना, आपने भी तो नाम रखा है ना पोर्की, तो फिर जब हम तुम ही मैं रखा बोल हूँ, देते हैं लेकिन सना टोनी बोल देना, लेकिन तो फिर आप लोगों को आग क्यों लग जाती है फिर? मैम, तो मैं तो खुद उनके साथ रहता हूँ, मेरा जो जिगरी जो यार है मेरा, खुद पाकिस्तानी, मैं उसको पोर की बोलता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी उसने कुछ नहीं बोला ना। मैंने मेरे को पता नहीं, वो काफिर भी बोलता, वैसे बोलता है, काफिर बोलता है मेरे को, हमने तो कभी बुरा नहीं माना। तो मगर आप नहीं मान रहे ना, आप उनमें से शायद उनमें तो से हो जो ऐसे नहीं है, मगर मतलब आप आपको सुन मेरी देखो या आपकी मेरी पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन बात आपको कर रहे पसंद हैं। नहीं आएगी भी, आपको वही बंदा पसंद आएगा जो गाली देता है, फिर आप कहोगे ये देख लो गाली दे रहा है नहीं भाई। नहीं मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ, एक दो लोगों को आप उठाए कह रहे हो वो बंदा पसंद आता है, वो तो गाली दे रहा है। नहीं, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, किसने गाली दे दी कल आके? एक बंदे नहीं, सिर्फ एक ही थे नगेंद्र जी कल, बाकी सारे कॉलर्स आए हैं जिनके मैं पॉजिटिव बात करके गए हैं। ऐसी बात थोड़ी, मैं सबसे बात करती हूँ, नहीं मगर हाँ जो झूठ बोलेगा, जो हिपोक्रेसी दिखाता है, मैं उसको एक्सपोज भी तो करूंगी ना, जब हाँ, मैं उनको ये जानने बात है। दूंगी तो अब जाने दूंगी। मुझे मुझे भी एक एक सौ एक फिर सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लूंगा मैम, मैं बोर नहीं करना चाहता आपकी ऑडियंस को। तो मैं यही कह रहा था कि भी अगर कोई बंदा अपने आप को कट्टर हिंदू या कट्टर सनातनी बोलता है, मैं बोलता हूँ अपने आप को कट्टर सनातनी, जिसको आप बोलते हो ना, कहते ना अभी गऊ, मतलब गऊ को माता मानते हैं, मैं मानता हूँ, उसका मूत्र भी ना मैं लाइव में पीऊंगा, मैं सरेआम कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ये जैसे बी पॉलिटिकल, ये दांत, पहले तो रान की तरह दांत फाड़ देते, गुस्सा आता है मैम, सॉरी माफी चाहूंगा बुरा वर्ड के लिए, पहले दांत फाड़ते हैं, खुद बेइज्जती करवा के जाते हैं, इंडिया की बेइज्जती करवाते हैं, खुद बेइज्जती करवाते हैं, दूसरे दिन फिर मुंह उठा के जाते हैं बिना धोए। तो इन चीज के लिए मैम, जिनके चार चार चेहरे हैं, प्लीज मैम भाई के हाथ जोड़ की विनती, ऐड ही ना करिए। चले ठीक है, मैं इनको तो खैर मैं अब नहीं लूंगी, मगर हाँ मेरे पास और भी लोग आते हैं, जैसे वो कोरेल जी आए थे या दूसरे लोग आते हैं, तो फिर मैं सबसे लेती हूँ बात, और वो मुझे नहीं होता पता कि क्या बात करनी है उन्होंने, यू नो हाँ सनातनी है, हिंदू है, जो भी होगा, अगर वो मूत्र आके आके पिए बकवास करेंगे तो फिर मैं उनको लूंगी। लाइक मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है कि मैं गालियां हम, देती। गऊ का मूत्र पिए, गायें खाएं हम, या बकरे तो नहीं काटते हम, जीव हत्या तो नहीं करते हम, गोबरी खा सकते हैं, मूत्र ही पी सकते हैं हम, वो बंदे तो बकरे नहीं काटते है। हैं, बकरे काटते हैं क्यों नहीं करते हैं? मैंने अभी एक वीडियो देखा है जहाँ मैं पे बकरों की आप लोग बलि चढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे। सनातनी की बात कर रहा हूँ, सनातनी क्या कहते हैं, सनातनी हिंदुओं में भी फर्क हो रहा है आजकल। आप पूरे एक दिन इसके ऊपर भी पूरा शो कर सकते हो मैम, आप सच्ची बताऊं तो नहीं मैं तो करूंगी, क्या है? मगर मैं, अच्छा गाइस मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, तो एक्चुअली टेलीग्राम का नहीं, मैं ओनली फैंस का अपना लिंक दे रही हूँ, जहाँ पे मैं वो वीडियो डालूंगी जहाँ पे ये लोग जो है एक अपना वीडियो वायरल हुई थी मैम, आप भी शायद एग्री, वीडियो यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एक वीडियो वायरल हुई थी कि किसी गांव में जैसे एक वो लगे डस्टबिन लगे, जैसे वो नहीं होते चिपांजी से टाइप, नाम पता नहीं क्या थे वो जो रहते हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई लेडीज है, ठीक है ना, एक बेचारा कोई राजस्थान का कोई गांव था, वहां पे वो डस्टबिन लगे, उस डस्टबिन के आगे लोग प्रसाद चढ़ाना स्टार्ट कर दिया हिंदुओं ने, डस्टबिन के और आगे, एक मैंने आपको कैंगरू के पहले आगे बताया। भी कर रहे थे, मैंने देखा था एक कैंगरू की मूर्ति बनी हुई थी, लोग वहां भी जाके पूजा कर रहे थे, उस पे डाल रहे थे यार। आई हाँ, वाज तो लाइक सनातनी है ना, सनातनी ऐसे नहीं, जैसे मंदिर है, मंदिर को जैसे मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान को, लेकिन मंदिर को जैसे पुराने टाइप से देखे ना, तो जैसे ऐसे सिक्योरिटी रखते थे, ये रखते थे, तो इसके उधर बहुत बड़ा टॉपिक है, इस भी यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है मैम। तो यही बात कह रहा हूँ, जिनके जात जात दो चार चार चेहरे हैं मैम, अगर आपको पता है तो प्लीज कहते ना कि ऐड ही करिए ना, रिक्वेस्ट नहीं, ये मैम अब तो मैं आपसे। उसको नहीं लूंगी ना, क्योंकि मेरे पास और भी लोग होते हैं जिनसे बात करनी होती है, मगर ये आज उनके साथ ये चीज पूरी खत्म करने की जरूरत थी। मगर हाँ देखें एक चीज ये भी माने ना कि हमारे जितने भी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इनको बताया कि बॉडी शेमिंग इज नॉट गुड, यू नो जब ट्रोलिंग ये होती है ना इनकी स्टार्ट, तो फिर आप देखा करोगे कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, मगर और वही लोग फिर कहते हैं देखो पाकिस्तानी कितनी गंदी बातें करते हैं। भैया आप भी वही कर रहे हो, आप पेट्रियार्की में कोई डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान इंडिया में, ये तो मैं आपको मानना पड़ेगी ये बात कि मर्दों में मैम, नहीं, 80% मर्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैम एक बताऊं, इंडियन पाकिस्तान में एजुकेशन के मामले में बताता हूँ, इंडिया के लोगों में, मैं ही नहीं कहता मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पता है कि मैं 1000 गुना बुरा हूँ, लेकिन इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा ट्रेंड है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो भिखारी बनोगे, पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करिए, कभी एक पाकिस्तानी बिठा लीजिए एक दिन, और एक कोई इंडियन बिठा लीजिए मैं सामने, बिठा लूंगी, फिर नहीं कभी मैं बात बिठा करेंगे, लूंगी, मगर मैं कल एक बिठाओ परसों औरत बिठाओ होने जब के भी बिठाओ नाते, मैं। सुने नहीं, एक औरत, मैं डिसएग्री करती हूँ आपसे, एक औरत होने के नाते मुझे जितना ट्रोल किया है पाकिस्तानियों ने और जितनी गंदी बातें बोली हैं, उतना ही आपके सना टुनीज ने बोली है। आप जाएं ट्विटर पे, वहां देखें मैम मीरा मंडी की पैदाइश है ये, गालियां मीरा मंडी से तो आई होगी, ऐसे बोलते हैं। तो वो आप मैम, पहले जाए, नहीं, मोनी जी पहले आप जाइए, आप उन लोगों को रोके, देखिए जब यहाँ पर अगर आकर लोग उनको आपको कहते हैं ना कि 1000 बंदे, देखिए मैम जी पाकिस्तानी बाय मुसलमान जब रिक्वेस्ट, यहाँ आते मैं हैं, सुने ना मेरी बात, आप आगे बोले चले आ रहे हैं, सब्र करें, जी, ओके जब मैम, ओके मैम, पाकिस्तानी यहाँ आते हैं
और बोलते हैं कि इन लोगों को हमसे कंपेयर नहीं करो, ये इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, तो मैं उनसे पहली बात ही कहती हूँ कि आप लोग रोको सबसे पहले उसको, आप लोगों को मुझे मुझे इस्लाम को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही कर रहे होते हैं। इसी तरह से मुझे टुनियों को या इनके कुछ बदनाम करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही कर रहे होते हैं दिखा दिखा के कि वो किस तरीके की गंदी बातें कर रहे होते हैं। तो जहां पर ठीक है, ये चीज आती है औरत की इज्जत, औरत पे तशद्दुद, आप लोग सेम हो, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा मैं जो हूँ आई एम स्टडी, मैंने दो तीन ऐसी चीज है जिन पर मैंने स्टडी कर रही हूँ अभी, तो फिर मैं वो भी लाऊंगी स्क्रिप्चर्स आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लगता है मुझे लाने पड़ेंगे। जरूर लेके आना अरे मैम, जरूर लेके आना जी चाहिए। चले, ठीक है, थैंक यू मोनी जी ओके, सो मच, थैंक यू मैम, आप थैंक यू हमेशा मैम आते सो मच, हो, थैंक इट्स ऑलवेज यू सो नाइस मच टू मैम, हैव यू। थैंक यू सो मच।